आपके साथ। अब बगल जा, सही है सदान, नीचे बगल जा। कुदरत का कहर जब लाइव रिपोर्टिंग में दिख जाता है तब देखिए कैसे भूचाल आता है। ऐसा ही नजारा खबर बनाते वक्त रिपोर्टर के कैमरे में सामने आया और कैद हो गया नदी का तांडव। कनकई अपना रौद्र रूप लगातार दिखाते ही जा रहा है। जहां से भी ये गुजर रही है गांव का गांव तबाह कर रही है। पूर्णिया जिले में पहले बाईसी और अब अमौर में इसका तांडव देखा जा रहा है। यहाँ देखते ही देखते कनकई नदी में विलीन हुआ अमौर का प्राथमिक विद्यालय नगराटोला। सिमलबारी का यह स्कूल देखते ही देखते कैमरे में ढहता हुआ कनकई नदी में समा गया। स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय रहते कटाव निरोधी कार्य प्रशासन द्वारा कर दिया जाता तो यह स्कूल नदी में समाहित नहीं होता। इससे पहले गाँव जब नदी में कटा था तब यही एक स्कूल था जो वहाँ के लोगों का सहारा था। मामा शादी का कौन सी जगह है ये? सिमलबाड़ी नगराटोला। ये स्कूल कब से कटा होगी जब में? ये स्कूल तो लगभग 2 महीना से जो है। तो प्रशासन की तरफ से अब तक कोई लोग नहीं आए थे क्या? ना, कोई लोग नहीं आए अभी तक। पहले दूर थी नदी क्या? थोड़ा हाँ दूर में था थोड़ा सा। तो ये कब कटा है इसे? ये जो है कल से कटा है। अभी तक कोई देखने आया है प्रशासन? कोई देखने नहीं आया, बस अब कट ही रहा है थोड़ा गिरने वाला। कौन सी नदी है ये? कनकई नदी। तो पानी क्या भर गया है? हाँ भर गया था पानी, उसी वजह से कटा। तो यहाँ एक सड़क भी थी, वो सड़क भी कट गई क्या? हाँ सड़क भी, वो प्रधानमंत्री सड़क था इसी किनारे। कितने परिवारों का घर यहाँ पे कटा होगा? तो यहाँ लगभग 150 परिवार का, 150 का, 150 परिवारों की बस्ती थी। पूरा मिलिन हो गया नदी में? हाँ पूरा मिलिन। लोग कहाँ पे रह रहे हैं अभी? वही सड़क सबका अगल बगल में झोपड़ी ढाकर। तो प्रशासन के लोग ने कभी कोई सुधि ली है, कुछ दिया है लोग को? नहीं अभी तक कुछ नहीं दिया है, बस 40 आदमी को सिर्फ प्लास्टिक दिया है और बाकी जो है कुछ भी नहीं दिया।